गाजर और सलजम का अचार बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही खट्टा मीठा अचार है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये अचार हमारी नानी और दादी वर्षों से बनाती आ रही है और ये पुरानी और बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो चलिए आज इसे घर में ही बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 7-8 मैंने लौंग लिए, ये 3 मैंने मोटी इलायची लिए और कुछ टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं इसे मसालों को रोस्ट कर लूंगी। उसके बाद इन्हें मिक्सी में पीस लेना है। सब मसाले मैं अब इस पैन में डाल दूंगी। इन्हें हमें धीमी आंच पर थोड़ी देर इसको गर्म होने तक भून लेना है। मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसे ठंडा होने के बाद मैं मिक्सी में पीस लूंगी। अब मैंने ये 1/2 कप गुड़ ले लिया है और मैंने ये छोटे छोटे पीसेस में कट करने की जगह मैंने ये कद्दूकस कर लिया है। मेरा गुड़ थोड़ा टाइट था इसलिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। आपका नरम हो तो आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना। अब मैं इसे 2 चम्मच विनेगर डाल दूंगी क्योंकि ये अचार खट्टा मीठा और चटपटा बनने वाला है। अब मैंने ये मसाले मिक्सी जार में डाल लिए, इसमें मैं 2 चम्मच राई भी डाल लूंगी और इसको भी साथ में ही पीस लूंगी। इसको हमें बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इनको हमें दरदरा ही रखना है। मसाला हमने ये पीस लिया है, इसको हमने ज्यादा बारीक नहीं किया है, इसे कोट सा ही किया है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। आप इसमें फ्रेश अदरक और लहसुन भी ले सकते हो, पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भुन गया है। अब मैंने ये जो गुड़ में जो सिरका डाला है वो इसमें डाल दूंगी। अब मैंने जो ये मसाला पीसा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये एक तरह से गरम मसाला तैयार हो गया है। अब हमें अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं गाजर, गोभी और सलजम का अचार बनाने जा रही हूं, तो मैंने इनको कट कर लिया है और अब मैं इनको अच्छे से वॉश करके इस कढ़ाई में डाल दूंगी। हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हमें ज्यादा नहीं गलाना है, बस मिक्स ही करना है। उसके बाद हमें इन्हें ठंडा करके एक जार में भर लेना है। ये 3-4 दिन में ही गल जाता है और इन्हें धूप भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अचार हमारा बन चुका है, मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और ठंडा होने के बाद इसे जार में भर के रख दूंगी। तो अगली बार आप भी इस तरह से अचार बनाइए। मुझे उम्मीद है कि ये अचार आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, क्योंकि ये खट्टा मीठा और चटपटा अचार है, ये सबको पसंद आने वाला अचार है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो तुरंत मिलती रहे। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।